हजूर, मगरबी मुल्कों में स्टॉक एक्सचेंज का काम बहुत ज़्यादा है और यह सिस्टम इन ममालिक की इकोनॉमीज़ में एक बहुत ज़्यादा किरदार ज़ालिमाना किरदार अदा कर अदा रहा है। हाँ क्या क्या तैनात किया हुआ है इसने, जी नहायत ही एक शैतानी चीज़ है जिसने जो इक्तसादी निज़ाम को सहारा देने की बजाय लोगों से आमत उन्नास से पैसा लूटने का एक जरिया है, एक फ्रॉड है, और तमाम चीज़ों में एतबार उठ गया है। कमोडिटी अगर एक्सचेंज हो और पैसे हाथ तब्दील होने से पैसे बदलें तो ये सही तिजारत है, लेकिन कमोडिटीज़ का कोई एक्सचेंज ना हो इस मफरूज़े पर दाव पे पैसे लगाए जाएं कि शायद कीमत बढ़ जाएगी शायद कीमत घट जाएगी, तो इक्तसादियत निज़ाम को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, कैपिटल निज़ाम को फ़ायदा पहुंचा है। चंद हाथों में इस तरीके से वो दौलत मुर्तकिज़ होने लग जाती है और अक्सर अवामुन नास मारे ही जाते हैं बेचारे जिनके पैसों से ये खेल खेला जाता है, और सारे एतबार उठ जाते हैं। एक सियासी फैसला हुआ कीमतें गिर गई, एक सियासी फैसला हुआ कीमतें चढ़ गई, इसको इक्तसादियात कौन कहता है? एक खेल है, फ्रॉड है, इससे जितनी जल्द ये लोग निजात पाएंगे इनको फ़ायदा होगा, वरना कई दफ़ा इनके बहरान पैदा होते हैं महज इस सट्टे की वजह से, इंटरनेशनल सट्टे की वजह से। ठीक है, शुक्रिया।